मेरे पूर्ण नारेश्वर के रूप को। आपने संसार में गोपेश्वर का नाम दिया था नारायण, अब आपके इस राधेश्वर रूप को नाम देने का पुण्य मुझे प्राप्त होगा। गोपी के रूप में हैं आप और झलक है राधा देवी की। संसार आपके इस रूप को गोपा देवी के नाम से जानेगा, गोपा देवी के नाम से जानेगा, गोपा देवी के नाम से जानेगा। अब अनुमति दे आराध्य। आप अनुमति के धन्यवाद के पात्र हैं महादेव। वाह कान्हा, बड़े सुंदर लग रहे लग रही हो। चलिए दाव, अब आपकी बारी। मैया कान्हा, राधा, तुम कौन हो और मेरे कान्हा को देखा है कहीं? कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रही जो मोरपंख लगाता है? वो ही, पर देखो ना कितना नटखट है। पहले अपनी मैया को पुकारता है और फिर लुप्त हो जाता है सब मुझे सताने के लिए। मैंने उसे देखा, वो कदाचित उस ओर गया है। वो बालक तो बड़ा ही मोहक है, बड़ी मीठी बांसुरी बजाता है। उसको आपके हाथ का बना माखन बहुत ही प्रिय है और हाँ, कहता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। किंतु तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम्हें तो वृंदावन में कभी नहीं देखा और ना ही कान्हा ने कभी तुम्हारे बारे में बात की, फिर कैसे जानती हो ये सब? ऐसे कैसे? मैं तो कब से कहते आ रहा हूँ कि मुझे आपके हाथों द्वारा बनाया गया माखन बहुत प्रिय है। कान्हा, तू? अब कान्हा नहीं, गोपा देवी कहो। ये है आपके कान्हा का गोपा देवी रूप, ताकि मैं बरसाना जा सकूं। नहीं नहीं, बरसाना नहीं जाएगा। किसी ने तुझे पहचान लिया तो? मेरी मैया जो आंख बंद करके मुझे पहचान लेती है, वही मुझे पहचान नहीं पाई तो भला कोई और कैसे पहचान लेगा? कह तो तू उचित रहा है, किंतु कान्हा, ऐसे समय में मैं तुझे वहां नहीं भेज सकती, और वो भी अकेले। आपको किसने कहा कि मैं अकेला जा रहा हूं? मेरे साथ बल देवी भी तो है। बल देवी? बल देवी, तनिक आना। Thank you.
जी जी, ये कन्याएं कौन है? समझो हमारी पुत्रियां हैं। प्रसन्न रहो। आज्ञा दीजिए मैं। चलो, मेरा परिश्रम ना सही, महादेव का कर्म तो सार्थक हुआ। कर्म से याद आया, मैया आप मेरे लिए एक काम करोगी? अपनी गोपा देवी के लिए कुछ भी करोगी? नंदिनी कृष्ण और बलराम को ननियाल भेज दिया है। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा राधे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं उस कृष्ण जैसे व्यक्ति से प्रेम कर बैठी जो स्वयं अपनी बात का मान नहीं रख सकता। भला मेरे प्रेम का मान क्या रखता? हे प्रभु, न जाने कौन सी भारी भूल करने चली थी। वो कृष्ण केवल घृणा का पात्र है, प्रेम का नहीं। ये मैं क्या कर रही हूं? फिर से उसके विषय में सोच रही हूं। हे नारायण, कदाचित इसलिए क्योंकि तुम मुझसे इतनी घृणा करती ही नहीं राधे। कृष्ण, प्रतीत होता है उसके छल के कारण मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हूं। अब उसकी वाणी सुनाई देने लगी मुझे। हो क्या गया मुझे? अच्छा हुआ, मैं यही चाहती थी कि वो सदैव के लिए दूर चला जाए। किंतु क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम उसे जाने देना चाहती हो राधा? क्योंकि कदाचित उसके पश्चात तुम उसे कभी देख नहीं पाओगे, कभी नहीं। हाँ हाँ, नहीं देखना चाहती मैं उसका मुख। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। तुम बिन मुझे कुछ भाए ना, जहां देखूं तुमको ही पाऊं मैं। उचित अब यही होगा। यही चाहिए मुझे। मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। पता नहीं क्या कहे जा रही हूँ, क्या क्या सुने जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। अब तुम मेरा मुख केवल तभी देख पाओगी जब तुम देखना चाहो।